एक अच्छा माइक लेना पड़ेगा यार, ये माइक अब खराब हो गया है। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर एपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एन स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक एपी के एन टर्म्स का, फर्स्ट एन टर्म्स का सम है एन स्क्वायर, ठीक है? तो हमारे पास में एस एन है एन स्क्वायर, ठीक है? आपने याद रखना है कि जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होता है उसे हम एस एन से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो एस एन यहां पर हमारे पास में है एन स्क्वायर, करेक्ट? हमने निकालना है कि इसका टेंथ टर्म कितना होगा, हमने बताना है कि इसका टेंथ टर्म कितना होगा। देखिए, अगर हमें एपी का टेंथ टर्म चाहिए और हमें एस एन दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का हमारे पास में फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है? तो हमें करना क्या पड़ेगा, अगर हमें टेंथ टर्म चाहिए तो पहले हम निकालेंगे एस टेन, ठीक है? उसके बाद हम निकालेंगे एस नाइन, फिर एस टेन में से एस नाइन को माइनस कर लेंगे, ठीक है? तो हमारे पास में ए टेन यानी कि टेंथ टर्म आ जाएगा, ठीक है? याद रखना। अगर हमें एट्थ टर्म चाहिए तो हम एस एट निकालेंगे, एस सेवन निकालेंगे, एस एट में से एस सेवन को माइनस करके एट्थ टर्म ए एट को निकाल देंगे। तो ये प्रोसेस आपने याद रखना है, ठीक है ना? तो बस इसी प्रोसेस से हम टेंथ टर्म को निकालेंगे। देखो, अब हम निकालेंगे एस टेन, एस एन हमारा है एन का स्क्वायर, तो एस टेन हमारा हो जाएगा टेन का स्क्वायर, है ना? एस एन हमारा है एन का स्क्वायर, तो एस टेन हो जाएगा टेन का स्क्वायर यानी कि हंड्रेड, ठीक है? अब हमने निकालना है एस नाइन, ठीक है ना? एस एन हमारा है एन का स्क्वायर, तो एस नाइन हमारा हो जाएगा नाइन का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 81। अब हमें चाहिए ए टेन, है ना? टेंथ टर्म चाहिए, ठीक है? टेंथ टर्म चाहिए, ए टेन चाहिए हमें। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एस टेन में से एस नाइन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना? सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट नाइन टर्म्स को माइनस करने पर हमारे पास में ए टेन यानी कि टेंथ टर्म आ जाएगा। अब देखो एस टेन हमारा कितना है, एस टेन हमारा कितना है हंड्रेड, ठीक है? बीच में है माइनस, ये माइनस है, फिर एस नाइन को माइनस करना है, एस नाइन कितना है हमारा 81, तो यहां पर आएगा 81, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, 100 में से 81 को माइनस करेंगे, ठीक है? तो आएगा 19, करेक्ट? तो आएगा कितना 19। तो हमारे पास में टेंथ टर्म ए टेन आ गया 19, ठीक है? तो आपने याद रखना है कि अगर हमें टेंथ टर्म निकालना है, एस एन का फॉर्मूला हमारे पास में है, ठीक है? तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एस टेन निकालेंगे एन की जगह पर टेन को पुट अप करके, फिर एस नाइन निकालेंगे एन की जगह पर नाइन को पुट अप करके, फिर हम एस टेन में से एस नाइन को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास में ए टेन यानी कि टेंथ टर्म आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से निकालना है आपने, ठीक है? तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो हमारा टेंथ टर्म आ गया 19।